खिताब किया है। अपने अलविदाई खिताब में चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी ने कहा कि वो अगर 12 मार्च को सेनेट में हुए तो मियां रजा रब्बानी ने सेनेट में अपनी मौजूदगी के मामले पर अपनी सेनेट रुकनियत के तसलसल पर सवालात उठा दिए हैं। वो कहते हैं कि मुल्की इदारों में तसादुम की बात हो रही है, मेंबर रहा तो इदारों के दरमियान तसादुम से मुतालिक रूलिंग ऐवान में लेकर आऊँगा। मियां रजा रब्बानी सेनेट में अपनी रुकनियत के हवाले से सवालात छोड़ गए हैं। मियां रजा रब्बानी कहते हैं अगर 12 मार्च को सेनेट में हुआ तो, मियां रजा रब्बानी कहते हैं अगर ऐवान में हुआ तो, मेंबर रहा तो इदारों के दरमियान तसादुम से मुतालिक रूलिंग ऐवान में लाऊंगा। मियां रजा रब्बानी ने अपनी सेनेट रुकनियत के हवाले से सवालात उठा दिए हैं, सवालात छोड़े हैं मियां रजा रब्बानी ने, और ऐसा लग रहा है कि वो दिल बर्दाश्ता हैं किसी बात पर। ऐसा लग रहा है कि मियां रजा रब्बानी अभी इस बारे में खुद भी किसी यकीनी सूरत हाल पर अभी नहीं पहुंचे हैं, कुछ यकीन से वो भी इस बारे में नहीं कह सकते, और उन्होंने अपनी सेनेट रुकनियत के हवाले से, तसलसल के हवाले से सवालात छोड़ दिए हैं। मियां रजा रब्बानी कहते हैं कि वो तारीख के हाथों मरने के बजाय बंदूक की गोली से मरना पसंद करेंगे। बारह तारीख को मैंने हलफ लिया और फ्लोर पे हुआ तो यकीनी तौर पे एज ए वे फॉरवर्ड मैं वो रूलिंग, उस वक्त तो रूलिंग नहीं होगी लेकिन वो दस्तावेज सेनेट के सामने रखूंगा कि शायद कोई रास्ता तसादुम से बचने का हमारे सामने आए, और सेनेट ने हर वो कोशिश की। तो मियां रजा रब्बानी ने अपनी रुकनियत के तसलसल के हवाले से सवालात छोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सेनेट का मेंबर रहा तो इदारों के दरमियान तसादुम से मुतालिक रूलिंग ऐवान में लाऊंगा। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि अपनी गर्दन कटवा दो लेकिन उसूलों पर सौदेबाजी ना करो। वो कहते हैं कि हमेशा अपनी खुदी को मारने की कोशिश की, क्रेडिट और डिसक्रेडिट चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन का नहीं पूरे ऐवान का होता है। मियां रजा रब्बानी ने अपने असासों की तफसीलात भी ऐवान में पेश की। मियां रजा रब्बानी अलविदाई खिताब कर रहे थे सेनेट में अपना, और अपने अलविदाई खिताब में बहैसियत चेयरमैन सेनेट उन्होंने जो बातें की उनमें किसी हद तक, बड़ी हद तक ये कहना दुरुस्त होगा कि बड़ी हद तक दिल बर्दाश्ता होना भी नजर आ रहा था। रोजीना अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रोजीना बताइएगा, मियां रजा रब्बानी का खिताब हमारे सामने है, ऐवान का रिएक्शन क्या था, अरकान किस तरह सुन रहे थे, डेस्क्स बजी, क्या कहा गया, क्या रद्देअमल आया? देखिए जी, बिल्कुल, आज चेयरमैन सेनेट भी दीगर सेनेटर्स की तरह जो है अलविदाई खिताब कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे सेनेटर्स का और खुद चेयरमैन सेनेट का भी आज जो है टेन्योर मुकम्मल हो रहा था, आज आखिरी इजलास था, तो इंतहाई संजीदगी से उनका जो खिताब था वो सुना जा रहा था। इंतहाई संजीदगी से जो तमाम अरकान थे वो इनका खिताब सुन रहे थे, और वो यकीनन जो है वो थोड़े गमजदा भी थे। इतने अरसे से जो साथी साथ थे, अब एकदम से ही जो है वो साथी अलग होने वाले हैं, वो एक दूसरे से फिर पता नहीं कि मुलाकात होती है नहीं होती है, और वो बहुत ही संजीदगी से ये भी सुन रहे थे कि ऐसी क्या चीज है जो चेयरमैन सेनेट ने जो है छुपा के रखी और उन्होंने अमानत के तौर पर रखी कि वो जब जाएंगे तब वो बताएंगे। तो हम इसलिए भी बहुत गौर से बातें सुनी जा रही थी। सीसीआई सेक्रेटेरिएट का उन्होंने जिक्र किया कि सीसीआई सेक्रेटेरिएट फौरी तौर पर बनना चाहिए, सेक्रेटेरिएट को वजारत बैनल सुबाई रब्ता का मातहत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने दीगर अहम बातें की, जो होल कमेटी के इजलास थे, जो ऐसी बातें की जो नहीं चाहते थे कि एकदम से मंजरे आम पर आ जाए। उनका कहना था कि वो जाते वक्त जो है अगर वो इस ऐवान में रहे तो वो यकीन अगर मैं यही जानना चाह रहा था आपसे रोजीना, जब वो ये कहते हैं कि अगर वो इस ऐवान में रहे तो, 12 मार्च को सेनेट के रुकन रहे तो, इसके बाद, इससे पहले किन चीजों की बिना पर मियां रजा रब्बानी इस जुमले तक आए, इसकी तौजीहात क्या बयान की उन्होंने?
देखिए जी के मुख्तलिफ वजूहात सामने आ रही हैं। एक तो यह है कि कुछ अंदरूनी भी कुछ बातें हैं, कुछ पार्टी की अंदरूनी की बातें हो सकती हैं, लेकिन चेयरमैन सेनेट की जानब से अभी जो हम रद्द अमल एक देख रहे हैं, एक जो बात सामने आई है कि चेयरमैन सेनेट कहते हैं कि अगर 12 तारीख को उन्होंने हल्फ लिया, क्योंकि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद वो हल्फ ना ले, शायद वो बतौर सेनेटर जो है वो हल्फ ना ले, ये इम्कान हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपना इम्कान आज अपने अलविदाई खिताब में भी जाहिर किया कि अगर वो हल्फ लेंगे तो वो जो दस्तावेजात हैं वो आने वाले चेयरमैन को बतौर अमानत पेश करेंगे। अगर वो खुद चेयरमैन सेनेट मुंतखब होकर आते हैं तो दूसरी सूरत में भी जितनी जो तमाम जो होल कमेटी की जो बातें थी, जो एक रूलिंग उन्होंने संभाल कर रखी है, अगर वो दोबारा खुद चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए तो फिर वो खुद बातें शेयर करेंगे, अगर नहीं होते तो फिर वो दूसरे चेयरमैन को वो दस्तावेजात मुंतकिल कर देंगे जो कि 60 से 70 सफहात पर तकरीबन मुश्तमिल है। और अब यह है कि कुछ इख्तलाफात की बुनियाद पर ही चेयरमैन सेनेट ने यह फैसला किया है, क्योंकि उनका इलेक्शन तो उन्होंने लड़ लिया, इंतखाब तो उन्होंने लड़ लिया, अब सेनेटर का जब हल्फ उठाने का मामला आया है तो कुछ ना कुछ इख्तलाफात की बुनियाद पर। बहुत शुक्रिया, अहम तरीन अपडेट्स के लिए आपका।